सो भाई फाइनली हम मलिंगा के घर में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो ये उनका घर है। कम से कम भी 2 किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। देखो ये पूरा जंगल है और इस जंगल के अंदर इनका घर बना हुआ है। आपके आप यहाँ आते हैं, मलिंगा आते हैं, देखा हुआ है आपका, मिलते हैं आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और यार अभी मैं श्रीलंका की एक बस में बैठा हुआ हूँ क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर एक सिटी है गोल, सो वहाँ से मैं जा रहा हूँ रथगामा। रथगामा जो है ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो लसित मलिंगा का गांव है जहाँ पर उन्होंने जन्म लिया था, उनका घर है, उनके पेरेंट्स रहते हैं। तो भाई आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लसित मलिंगा के घर को। और ये जो बस है ना, बस का नज़ारा देख लो, इसमें हिंदू देवी देवताएँ आपको आगे मिल जाएंगे। लॉर्ड बुद्धा है ना, वो तो हर बस में आपको मिले ही मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्ट है मैक्सिमम। बट बुद्धिस्ट होने के साथ साथ वो हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो भाई यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर रथगामा पड़ेगा, और जो कोलंबो की तरफ जो बसें जाती है ना, उसी बस में आप बैठ जाना, वो रास्ते में आपको उतार देंगे। तो अभी ये चलने वाली बस है, देखते हैं कितने टाइम में चलते हैं। बाकी यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको सीधा रथगामा पहुँच कर ही मैं आगे की डिटेल्स बताता हूँ। सो भाई फाइनली जो रथगामा का जो बस स्टैंड है ना, वहाँ पर मैं बस से उतर गया हूँ। और देखो बस स्टैंड कुछ ऐसा दिखता है, कोई ख़ास नहीं है, बस ऐसा छोटा सा ही है। बट इससे अंदर जाना है हमें अब 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी जाना है। 1 किलोमीटर तक दिखा रखा है मैप में, तो बाकी देखते हैं। मतलब रथगामा का जो स्टैंड है ना, वहाँ पर उतर जाना है आपको, और उसके बाद में यहाँ पूछते किसी ऑटो वाले से, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ यार। मेरे को आज ही कोलंबो निकलना है ट्रेन लेकर, तो ऑटो से फटाफट से जाके फटाफट से आ जाऊँगा तो सही रहेगा। चलो ऑटो वाले से पूछते हैं किसी से, यहाँ जाम लग रखा है भाई। 1 किलोमीटर गोइंग एंड कमिंग 300। ओके सो भाई अंकल मिले हैं अपने को। आप इंडिया गए? इंडिया से है। हिंदी आती है आपको? मुझे मालूम है थोड़ा थोड़ा। काशी का? काशी का। बाहर काम करते थे सऊदी में? सऊदीया दुबई 7 साल काम किया मैं। 5 साल? 7 साल। 7 साल बाहर जो भी काम करते थे उनको आती है हिंदी, वो मुझे पता है। तो भाई अभी ऑटो में जा रहे हैं, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो 2-3 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छी बात ये है कि जो अंकल है ना, जो ऑटो वाले, इनको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है। यहाँ पर क्या है कि श्रीलंका में कुछ लोग जिन्होंने कतर, दुबई और सऊदी साइड में जिन्होंने काम किया है ना, उनको हिंदी आती है। पाकिस्तानी बांग्लादेशी इंडियंस के साथ रह रहे के हिंदी सीख गए थोड़ा थोड़ा, मतलब बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं, तो अच्छी बात है। प्रॉपर मतलब बता भी देंगे थोड़ा बहुत उनके बारे में। चलो चलते हैं और पहुंचते हैं मलिंगा के घर। सो भाई फाइनली हम मलिंगा के घर में पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हो ये उनका घर है, और ये जो अंकल है ना, इन्होंने बताया कि ये क्लोज पड़ा हुआ है ये घर, यहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके जो फादर, इनकी मदर और जो इनके बच्चे हैं ना, ये सब लोग जा चुके हैं, मतलब कोलंबो उनके साथ रहते हैं। और लसित मलिंगा अभी राजस्थान को कोच कर रहे हैं। भाई लसित मलिंगा को हम इंडियंस तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। और भाई उनके रिकॉर्ड्स भी कितने सारे हैं, मतलब T20 में 2 बार 4-4 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं है, और उन्होंने वो करके दिखाया। इधर सिर्फ कुत्ते घूम रहे हैं और कुछ नहीं है, मतलब T20 में 2 बार 4-4 विकेट लिए हैं, और टोटल विकेट उनके 350 के अराउंड है। इसी घर में उनका जन्म हुआ था 1983 के अराउंड, और 2004 में उन्होंने डेब्यू किया था, मतलब श्रीलंकन क्रिकेट की तरफ से। तो भाई ये है इनका घर, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लोज है, कोई नहीं है। मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो डॉगी खड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक है, वो काट भी सकता है। सो भाई ये था इनका घर। फादर नहीं है। सो भाई इधर तो कोई नहीं है उनकी फैमिली में, तो बस आपको ये घर दिखाना था जो मैंने दिखा दिया। छोटा सा घर है, इधर बंद पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। और यहीं पर मतलब बिल्कुल जंगल के अंदर है, मेन जो स्टैंड है ना, उससे कम से कम भी दो किलोमीटर अंदर आना पड़ेगा। देखो ये पूरा जंगल है, और इस जंगल के अंदर इनका घर बना हुआ है। भाई यहाँ इस जंगल में रहा करते थे, देखो कितने कच्चे छोटे छोटे रास्ते हैं, आप देख सकते हो छोटे छोटे रास्ते हैं, इसी के अंदर लसित मलिंगा रहा करता था। और यहीं पर मतलब छोटे छोटे ये कच्चे रास्तों में क्रिकेट खेल खेल के आज देखो कितने मतलब बड़े मुकाम पर वो पहुंच गए। वो लसित मलिंगा कितने भाई है? दो भाई, बड़ा भाई छोटा भाई। अच्छा अच्छा, चेंज नहीं है। तो क्या करते, कहाँ काम करते हैं वो लोग? इटली में काम करते हैं। इटली में?
अच्छा यहाँ नहीं रहते है? मदर फादर कोलंबो? मदर फादर माँ बाप दोनों कोलंबो, मालिक का पास है। अच्छा मैक्सिमम लोग कोलंबो ही चले गए, जयसूर्या सब कोलंबो ही रहते हैं। आप इसी गांव से हो? इसी गांव से हो आपके? आप यहाँ आते हैं, मलिंगा आते हैं, देखा हुआ है आपका, मिलते हैं आपसे। आप लोगों से बात करके क्या रहा है? पूरा आदमी लोगों को बात करके क्या रहा? सही है, बहुत पैसा है आजकल उनके पास। हाँ, बहुत पैसा है। इंडिया में रहते हैं, वहाँ IPL में खूब पैसा मिलता है। बहुत बड़ा पैसा है ना? बहुत बड़ा। तो जो यही पहले तो जंगल में छोटे से घर होगा, अब तो बहुत बड़ा घर हो गया। अब तो बड़ा घर बना लिया, पहले छोटा घर होगा, गरीब होंगे पहले। छोटा घर है। तो यहाँ गांव में कुछ बनाते हैं क्या, आते कुछ करते हैं गांव के बच्चों के लिए, गांव के परिवार के लिए? अभी वहाँ नहीं आ रहा है। नहीं आता इधर? नहीं आता इधर, टाइम नहीं है ना। पूरे साल क्रिकेट खेलता रहता है। थोड़ा पैसा तो देना चाहिए आसपास के लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए। देता है, हमारी साइड तो कुछ लोग करता है ऐसे, कुछ कुछ लोग होता है। अच्छा उनका वाइफ यहीं से है कि इंडिया से है? नहीं, यहीं से, श्रीलंका। श्रीलंका से। कितना बच्चा है? मालूम नहीं कितना है। तो भाई ये था आज का व्लॉग्स, लसित मलिंगा का घर जो हमने कवर किया है। अंदर जाने के, घर के अंदर यार कोई है ही नहीं, तो जाने से मतलब क्या है, बाहर से मैंने दिखा दिया। बाकी यार देखो, ऐसे जंगल से एक मतलब छोटा सा घर हुआ करता था, ये अंकल बता रहे हैं, एक छोटी सी झोपड़ी टाइप में हुआ करता था। वहाँ से निकल कर और आज मतलब यार देखो, उनको टाइम नहीं है, मतलब ऑल टाइम कभी लीजेंड्स लीग खेलते रहते हैं, कभी IPL खेलते रहते हैं, कभी अपनी जो नेशनल टीम है उसको कोचिंग, कभी डोमेस्टिक कोचिंग, पूरे साल इतने बिजी रहते हैं ना यार वो लोग कि, और इतना पैसा कमाते हैं, इतना बिजी रहते हैं ना, तो आज उनको यार बहुत प्राउड होता होगा कि मतलब इतनी छोटी जगह से निकलकर और इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा मुकाम पा लिया, सोचो। बट यार मेरा ये भी मानना है कि ऐसे मतलब जैसे वो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, तो जैसे भाई ज़्यादा कुछ तो आजकल देखो पूरे गाँव में, ये नहीं बोल रहा पूरे गाँव को ही वो मतलब रिनोवेशन कर दें, पूरे गांव को अपग्रेड कर दें, ऐसा तो नहीं कर सकते वो, ऐसा नहीं कर सकते अगर वो, तो भले ही ऐसा अगर नहीं कर सकते, बट इतना तो कर सकते हैं यार कि मतलब कोई एक क्रिकेट ग्राउंड बनवा दें यहाँ पर, तो जैसे भाई उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, वैसे और बच्चों को ना करना पड़े, उनकी गाइडेंस में, उनके सपोर्ट से और भी यहाँ से बच्चे निकलें क्रिकेट में भाई। तो श्रीलंका का तो यही है भाई, यहाँ जितने भी क्रिकेटर्स हुए ना, बहुत मतलब छोटी छोटी जगह से निकले हुए हैं, मतलब ऐसे किसी ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि भाई यहाँ से भी कोई निकल सकता है, बिल्कुल गरीबी से निकले हुए हैं सब लोग, ऐसे कोई स्पेशल कोचिंग वोचिंग नहीं ली हुई, और आज देखो कितने पैसे छाप रहे हैं, अच्छे अच्छे मतलब इंटरनेशनल मैच खेलते हैं, लीग्स खेलते हैं। तो भाई ये सब मेहनत पर डिपेंड करता है। बाकी जो ये रथगामा है, ये तो बहुत ही छोटा सा गाँव है, अंदर हम गए थे, यहाँ का स्टैंड तो कुछ ऐसा है ठीक ठाक सा, अभी इधर से जो भी बस आएगी ना उसको पकड़कर हम डायरेक्ट जाएंगे मेन स्टैंड, गोल बोलते हैं ये, तो गोल जाएंगे हम। तो अभी इस व्लॉग में इतना ही, अभी के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।